नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मिट्टी मनवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड की रसमलाई। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप एक बार बना लोगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए बनाते हैं रसमलाई की रेसिपी। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके लिए हम कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले लेंगे। अगर दूध फेट वाला हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूध में हम उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने लग गया है, दूध को हम और उबालेंगे जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। दूध को उबलते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें केसर डाल देंगे। केसर से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए काजू और पिस्ता डाल देंगे। आधी चम्मच बारीक कुटी हुई इलायची भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधी कटोरी चीनी डाल देंगे। चीनी आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच मैदा लिया है और मैदे में थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसको डालने से रसमलाई का दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें मैदे वाला दूध तैयार किया था वो डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। रसमलाई के लिए दूध बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं। अब हम ब्रेड लेंगे। अब हम एक छोटी गिलास ले लेंगे और इसे ऐसे काट लेंगे। ये इस तरीके से आसानी से कट जाएगी। ऐसे ही हम सारी ब्रेड को काट लेंगे। रसमलाई के लिए दूध एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसमें कटी हुई ब्रेड डाल देंगे और इस तरीके से दूध में अच्छे से डिप कर लेंगे और इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से एक एक करके ब्रेड को डुबाकर बाहर निकाल लेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारी रसमलाई बनकर तैयार है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। इसे हम पिस्ता कतरन और काजू से गार्निश कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो एक बार आप इसी तरीके से रसमलाई बनाइए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।